आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Identify W, X and Y in the given figure and select the incorrect option regarding them. यहाँ पे W, X, Y दिया गया है। यहाँ पर clearly पता चल रहा है कि ruminant का यहाँ पे diagram दिखाया गया है। Ruminant यहाँ पे कौन है? Cow है। Ruminants क्या होते हैं? ये ऐसे special organism होते हैं जो कि cellulose को भी digest कर सकते हैं। सेलुलोज का डाइजेशन कर सकते हैं। अब इसके डाइजेशन के लिए इनके पास एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल एंजाइम जैसे सेलुलेज प्रेजेंट होता है, प्लस इनके पास एनएरोबिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इन ये जो सेलुलोज होता है इसको डाइजेस्ट कर देते हैं एंड इसके थ्रू भी ये अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर सकते हैं। इनको बोला जाता है रूमिनेंट। यहाँ पे जो डब्ल्यू स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसको बोला जाता है रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है केवल फिल्टर करना खाने को, कि खाने के अंदर जो है कोई दूसरा बैक्टीरिया या छोटे मोटे आंट्स हो गए, जैसे इन्हें तो पता नहीं चलता कि आंट्स जो छोटे इंसेक्ट्स हो गए वो उनको भी खा जाते हैं गलती से, तो वो सब कुछ फिल्टर कर दिया जाता है रेटिकुलम में। रेटिकुलम के बाद जो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं र्यूमेन। र्यूमेन जो होता है वो एरिया होता है जहाँ पे सारा का सारा सेलुलोज वाला जो मटेरियल होता है इसको स्टोर किया जाता है एंड देन यहीं पर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया यहीं पर डाइजेस्ट करते हैं इस सेलुलोज को एंड देन इसको भेज दिया जाता है ट्रू स्टमक में, जिसको बोलते हैं एबोमेसम। इससे पहले वैसे ओमेसम में भी भेजा जाता है। ओमेसम जो होता है उसका फंक्शन होता है ग्राइंड करने का, मतलब कि ये जो फूड के पार्टिकल है इनको और टुकड़ों में तोड़ना। एंड ये जो वाई है, वाई एबोमेसम को बोला जाता है ट्रू स्टमक। इसका फंक्शन होता है कि ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, जस्ट लाइक हमारे स्टमक की तरह गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं जस्ट लाइक हमारा स्टमक। एंड देन फिर क्या होता है, डाइजेस्टन हो जाता है सबका एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया कि एक्स जो होता है वो चेम्बर है वेयर पार्शियली च्यूड फूड इज स्टोर टेम्परली, विच इज करेक्ट। र्यूमेन जो होता है यहाँ पे गाय जो भी च्यू करती है फूड उसको टेम्परली स्टोर कर लेती है। टेम्परली स्टोर करने के बाद कई बार इसको दोबारा च्यू करना होता है, तो ये र्यूमेन से लेकर के अपने मुंह में दोबारा इनको च्यू करने लगती है। नेक्स्ट में बोला गया डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू दैट इज रेटिकुलम, वो चेम्बर है विच इज ऑफन रेफर्ड एज ट्रू स्टमक, विच इज इनकरेक्ट। ट्रू स्टमक बोला जाता है एबोमेसम को, ना कि रेटिकुलम को, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में बोला एक्स जो है दैट इज र्यूमेन, वो चेम्बर है वेयर एनएरोबिक बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, विच इज करेक्ट। देन बोला गया है वाई जो है वो चेम्बर है जहाँ पे प्रोटीन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये भी करेक्ट है। जस्ट जैसे हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं एंजाइम के थ्रू, वैसे एबोमेसम में होते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन टू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।